नमस्ते सभी को। हिंदी का सत्र हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो अभ्यास दो हम कर रहे हैं। अभ्यास दो में कल हम लोगों ने स्टेप फाइव के असाइनमेंट को डिस्कस किया था और उसके बाद फिर स्टेप सिक्स पे डिस्कशन शुरू किया था। अभ्यास दो में हम मैं द्वारा शरीर को देखने का यानी चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं को स्टेप वन में अलग अलग पहचानने का अभ्यास किया। स्टेप टू में मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया। और दिखता है कि जो आदान प्रदान हो रहा है वो सूचना के रूप में है, यहाँ कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं है। स्टेप थ्री में हमने देखा कि इसमें निर्णय किसका है, मैं का, शरीर का या कोई अन्य स्रोत का। उसको दिखता है कि निर्णय मेरा है। फिर स्टेप फोर में हमने स्वयं और संवेदना के बीच की दूरी को और बारीकी से देखा। दिखता है कि संवेदना मुझसे बाहर हो रही है, न तो मैं संवेदना हूँ न संवेदना मैं हूँ। संवेदना और मेरे बीच दूरी है और इस दूरी को देखते हुए मैं और शरीर के बीच की जो दूरी है वो और स्पष्ट होती है। इस पूरे अभ्यास में देखें तो मैं और शरीर का अलग अलग होना एक मूल बात है जिसको स्वयं में हमें निरीक्षण करते रहना है। जितना बारीकी से इसको देख पाएंगे जो भी स्टेप्स हैं वो और ठीक से स्पष्ट हो पाएंगे। स्टेप फाइव में हमने संवेदना के तीन स्रोतों को देखा। एक तो शरीर से बाहर होने वाली घटनाएं, जिसमें दो प्रकार की घटना है, किसी मनुष्य का व्यवहार या कोई भौतिक रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा शरीर में होने वाली घटना है। तीन तीन स्रोतों से संवेदना मुझे प्राप्त होती है, मैं को प्राप्त होती है और मैं इसको निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ। फिर मैं वहां नहीं रुकता, इस सूचना को पढ़ने के बाद मैं उसे एक अर्थ देता हूँ। तो जो मैं अर्थ देता हूँ उसका कोई आधार होता है जो मेरे संस्कारों से जुड़ा होता है। यदि मेरी मेरे संस्कार समझ आधारित हैं तो मैं एक प्रकार से अर्थ देता हूँ, मान्यता आधारित है दूसरे प्रकार से अर्थ देता हूँ। तो जिस प्रकार से मैं अर्थ देता हूँ उसके आधार पर मैं सुखी दुखी होता हूँ और फिर मेरे अंदर या तो प्रतिक्रिया तैयार होती है या जिम्मेदारी का भाव तैयार होता है। फिर जैसा भाव तैयार होता है वैसा मैं शरीर को संकेत देने का निर्णय लेता हूँ, फिर संकेत देता हूँ, शरीर वैसा आचरण करता है। तो एक हरकत जो हम शरीर से करते हैं उसके पीछे कितनी घटनाएं घटित हुई है ना, ये नौ घटनाओं को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था स्टेप फाइव में। और इसी को बारीकी से देखना है, इसी को ठहर कर आराम से है ना, एज स्लो मोशन में चीजें चल रही हैं जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, स्लो मोशन में या इसमें दिखाते हैं है ना टीवी पे कई बार, तो कुछ वैसा कहें कि आपको बारीकी से देखना है कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कब आपने संवेदना को पढ़ा, पढ़ने के लिए आपने निर्णय लिया, निर्णय का भी कोई आधार होगा पढ़ने का कि नहीं, फिर आपने उसको अर्थ दिया, उस अर्थ का भी एक आधार है, फिर उसके आधार पर आपका भाव बदला, उस भाव के साथ आपके अंदर विचार चला जो प्रतिक्रिया पूर्वक भी हो सकती है, जिम्मेदारी पूर्वक भी हो सकती है, फिर आपने शरीर को संकेत देने का निर्णय लिया, कभी संकेत देने का निर्णय लिया कभी नहीं लिया, जब महत्वपूर्ण लगा तो संकेत देने का निर्णय लिया, नहीं महत्वपूर्ण लगा नहीं लिया, फिर वैसा ही शरीर से हरकत हुआ। तो ऐसे हमें बारीकी से अपने और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखना है, उस आदान प्रदान के स्वयं में जो आधार है उसको देखना है, किस आधार पे मैं संवेदना को पढ़ता हूँ, किस आधार पे मैं शरीर को संकेत देता हूँ, कैसे मेरे भाव बदलते हैं, कौन से संस्कार हैं जो मेरे अंदर बने हुए हैं जिसका मूल्यांकन अभी शेष है, इन सब चीजों को देखना है। अपेक्षा यह है कि संस्कारों में परिमार्जन हो जाए ताकि मेरा भाव हर क्षण सही बना रहे। जी, तो इतनी बात हमने स्टेप फाइव में की थी। ये तीन स्रोत जो संवेदना के हैं तो उसमें देखें तो दो स्रोत शरीर से बाहर हैं, एक जो है शरीर के भीतर है। तो जो शरीर के बाहर है या तो दूसरे मनुष्य का व्यवहार है या कोई बाहरी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, उसका शरीर पे प्रभाव पड़ता है जिससे शरीर में संवेदना उत्पन्न होती है। और शरीर की अपनी एक प्रणाली है, उस प्रणाली से भी शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न होती रहती है। और फिर ये मेरे साथ इसका आदान प्रदान होता है, मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर मैं उसे अर्थ देता हूँ, फिर मैं उसको अपने
घटना कोई संकेत देता हूं, और इस प्रकार से चलता रहता है। तो बाहर की घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया कैसे कैसे हो रहा है इसको देखना है। कब मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, कब मैं रिएक्ट करता हूँ। इनफैक्ट इसको भी देखें तो रिस्पॉन्स भी किसको कहेंगे ये भी समझने का मुद्दा है। कब कहेंगे कि रिएक्शन है, कब कहेंगे कि रिस्पॉन्स है। इसमें बहुत सारे नए प्रश्न भी आपको तैयार हुए, इसको रिस्पॉन्स कहें कि ना कहें। और आप पाएंगे जैसे ही मैं रिस्पॉन्स को तय करने जाता हूँ तो मेरी दृष्टि संपूर्णता तक जानी अनिवार्य हो जाती है। एक मानवीय परंपरा तक वो दृष्टि जानी अनिवार्य हो जाती है, छोटी छोटी बातों में भी। तो रिस्पॉन्स को और किसे समझने की जरूरत है कि रिस्पॉन्स है क्या। रिस्पॉन्स समझ पाते हैं तो शेष जो हो जाता है वो रिएक्शन है, यानी शेष जो भी मेरे द्वारा निर्णय लिए जाते हैं वो रिएक्शन है। अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो जी, इतनी चर्चा को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। तो स्टेप सिक्स के पहले भाग में देख रहे हैं कि यदि मान्यता आधारित संस्कार है तो मेरा जीना कैसा होता है, तो प्रतिक्रिया पूर्वक जीता हूँ, परतंत्र रहता हूँ। यदि मेरे संस्कार मान्यता पर आधारित हैं तो मैं स्वयं में निरंतर सुख की स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर पाता हूँ, इसलिए बाहर से संवेदना से या दूसरों से कोई भाव पाकर सुख पाने के प्रयास में रहता हूँ। तो यदि मेरे निर्णय संवेदना से प्रभावित होते हैं तो मुझे संवेदना या दूसरे से मिलने वाला भाव अनुकूल लगता है और मेरा उसमें संस्कार जुड़ा हुआ है तो मैं सुखी होता हूँ। यानी ये देखें तो सामयिक रूप से मेरे अंदर कुछ आवेश पैदा होता है जब अनुकूल भाव मिला या अनुकूल संवेदना मिली, और मैं इस अनुकूल संवेदना को बनाए रखना चाहता हूँ। यही तृष्णा है, यही राग है, आसक्ति है। तो स्रोत सुख का बाहर बना हुआ है, उस अनुकूल संवेदना को बनाए रखने का प्रयास चलता रहता है, उसके प्रति एक आसक्ति बनी रहती है। उसी को भिन्न भिन्न दर्शनों में भिन्न भिन्न नाम दिए गए। मूल बात इतनी है कि हम स्वयं में सुख के स्रोत को देख पा रहे हैं या बाहर से कोई प्राप्त सूचना के आधार पर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अनुकूल भाव को बनाए रखने के पक्ष में निर्णय करता रहता हूँ और अंदर ही अंदर प्रतिक्रिया करता रहता हूँ। मेरे सुख का स्रोत बाहर बना रहता है। मुझे संवेदना या दूसरे से मिलने वाला भाव यदि प्रतिकूल लगता है, वो भी अपने संस्कारों के आधार पर, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। और ये भी सामयिक है ना, मैं आवेशित हो जाता हूँ, फिर मैं संवेदना को हटाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं प्रतिकूल भाव के विपरीत निर्णय लेता हूँ और अंदर अंदर प्रतिक्रिया चलती रहती है। इस बात को अपने अंदर ऑब्जर्व करें। इसमें एक मुख्य बात जहां से पूरी चर्चा शुरू हुई थी वो दिखाई देगा आपको कि मेरे सुख का स्रोत भीतर है या बाहर है। यदि बाहर है तो बाहर से मिलने वाली सूचना पे मैं निर्भर रहता हूँ, वो चाहे दूसरे से अनुकूल व्यवहार के द्वारा मिले या शरीर से अनुकूल संवेदना के द्वारा मिले, और वो जब तक नहीं मिलता मैं व्याकुल रहता हूँ, मिलता है मैं आवेश में आ जाता हूँ, आवेशित हो जाता हूँ, अति उत्साह में जाता हूँ, नहीं मिलता है फिर आवेशित होता हूँ, दुखी होता हूँ, खिन्न होता हूँ, परेशान होता हूँ। तो ध्यान बाहर की ओर ही रहता है हमारा, ये बात हमको अपने आप में ऑब्जर्व करनी है। ये आवेशित होने की स्थिति और तृप्त होने की स्थिति को थोड़ा सा एलाबरेट कर दीजिए, दोनों में कैसे अंतर पहचाने कि ये आवेशित होने की स्थिति है, ये तृप्त होने की स्थिति है। भैया यदि भाव सहज से स्वीकार है जी तो तृप्ति की स्थिति है। जो बाहर सुख का स्रोत बनाए रखते हुए, जैसे एक ये है कि आवेश की स्थिति उत्पन्न होती है, अगर बाहर की संवेदना से या किसी मान्यता की पूर्ति से सुख की अनुभूत हो रही है तो वो आवेश की स्थिति है। तो एक तो बात ये कही कि अंदर अंदर प्रतिक्रिया चलती रहती है जी, तो वो सहज स्वीकृति में नहीं है जी, तो अपने भाग्य को देखना होगा। यदि भाव सहज रूप से स्वीकार है जी तब तो तृप्ति की स्थिति है, यदि भाव सहज रूप से स्वीकार नहीं है तो प्रतिक्रिया ही है।
आवेश ही है। जी तो होता यह है कि यदि हम बाहर से कोई अनुकूल भाव कर भाव पाकर सुखी होने का प्रयास करते हैं तो उसमें इस तरह की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि तो वो मिला तो सुखी हुए, नहीं मिला तो दुखी हुए। जी 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 और तृप्ति है तो फिर वो बना रहेगा, नहीं मिला तो भी वो बना हुआ। तृप्ति का स्रोत तो अंदर होगा हमारे हाँ अंदर तो वो सही भाव बना, बना हुआ है, मैं उसको शेयर करता हूँ। हाँ तो दूसरे का जो बना भाव हमें मिलता है उसके आधार पर दूसरे हुआ। का मूल्यांकन करता हूँ, उससे मैं दुखी परेशान नहीं होता, तो मैं सही भाव को जी शेयर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सिमट कर अपने आप में रह जाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, व्यवहार नहीं करूंगा, निर्वाह नहीं करूंगा। तो मैं सही भाव अपने अंदर स्थापित रखते हुए मैं दूसरे के साथ व्यवहार करूंगा। दूसरे का जो भाव मुझे संवेदना के द्वारा दिखाई देगा उसके आधार पर मैं दूसरे का सम्यक आकलन करूंगा, और उसकी स्थिति को देखते हुए फिर मैं आगे का व्यवहार तय करूंगा। जी तो इन दोनों में अंतर यही है कि मैं सुखी होकर व्यवहार कर रहा हूं या जी सुखी होने के लिए व्यवहार कर रहा हूं। अगर जी मेरे अंदर जी सही भाव स्थापित है सुखी होकर व्यवहार करता हूँ, नहीं होता तो दूसरे को छिपाने के लिए व्यवहार करता हूँ, तो सुखी होने के लिए व्यवहार करता हूँ। तो मैं व्यवहार दोनों स्थिति में कर रहा हूँ, परंतु व्यवहार का आधार बदल गया। जी क्रक्स यही है कि मैं सुखी होकर निर्वाह कर रहा हूँ या सुखी होने के लिए निर्वाह कर रहा हूँ। जी सुखी होने के लिए कर रहा हूं तो परतंत्र हूं, सुखी जी होकर कर रहा हूं स्वतंत्र हूं। जी जी भैया, भैया, ठीक है भैया, ठीक बढ़िया भैया। तो है जब भैया, सुख मुझे नमस्ते। स्वभाव के रूप में दिखता है तो मैं सुखी होकर व्यवहार करता हूँ, मुझे पूरी व्यवस्था स्पष्ट है, मुझे सहस्तित्व स्पष्ट है, संबंध स्पष्ट है, इसके आधार पर मेरा भाव स्पष्ट है मुझे। अब मैं शेयर कर रहा हूं उस भाव को। फिर दूसरा जैसा मेरे साथ व्यवहार करता है उससे मैं उसकी स्थिति का आकलन करता हूँ, और फिर मैं उसके साथ आगे की योजना कार्यक्रम बनाता हूँ। तो ये स्थिति है जिसमें हम पहुंचना चाहते हैं, और हम सब उस दिशा में गति भी कर रहे हैं। आप पाएंगे कि हमारी परतंत्रता पहले से घट रही होगी। पहले जितना हम प्रभावित होते थे, दूसरे ने अप्रिशिएट किया तो जितने एक्साइटेड हो गए, नहीं किया है ना, जिस तरह का भाव अंदर चला, विचार अंदर चला, अब उन जी सबसे हम बाहर निकल पा रहे हैं। जी ठीक जी है भैया, ठीक है बढ़िया भैया। भैया, जी भैया, भैया नमस्ते। तो ये जो जहां से बात शुरू हुई थी कि सुख स्वभाव है कि प्रभाव है, उसी को अगर हम बारीकी से जब देखने जाते हैं तो अभ्यास एक और अभ्यास दो में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। तो स्टेप वन टू स्टेप फाइव को करते हुए, चाहे अभ्यास एक की बात करें, अभ्यास दो की बात करें, हम अल्टीमेटली यही पहुंचना चाह रहे हैं कि जो मेरा भाव है वो स्वभाव के अर्थ में, अगर वो ऐसा नहीं होता तो फिर हम अपने भाव को भी देखते हैं, शरीर के साथ निर्वाह को भी देखते हैं, अपना आकलन करते हैं, अपने परिमार्जन के लिए काम करते हैं। ठीक है भैया। बढ़िया भैया। भैया कई बार मन में फिर से प्रश्न उन्हीं जगह पहुंच जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी, कि जैसे दूसरे की चाहना मुझको खुश करने की है। और उदाहरण के रूप पे जैसे हम ये लेते हैं कि रूस और यूक्रेन में दो लोगों के बीच में कुछ हो रहा है, तो क्या दोनों की चाहना दूसरे को खुश रखने की है? और ये संबंध खाली देश के नहीं है, ये परिवार में भी है और समाज में भी, कार्यस्थल पे, हर जगह ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां पर इस बात पर ही प्रश्न बार बार उठने लगता है कि दूसरे की चाहना मुझे खुश करने की है। कई बार लगता है शोषण करके स्वयं खुश होने की है वो चाहना। तो इस पर थोड़ा सा भैया फिर से चाहेंगे कि कुछ बात कहें आप। जी देखिए, इसमें सटीक उत्तर हमें तभी मिलता है जब हम स्वयं को देखते हैं। तो हम सुखी होना चाहते हैं है ना, अपने आप में पूछे तो हम सुखी करना भी चाहते हैं। सहज रूप से देखें तो हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते, सुखी करना चाहते हैं। परंतु जब स्वयं में ही आराम में नहीं है, स्वयं में ही प्रतिक्रिया चल रही है, स्वयं में ही हमारा जो संस्कार है उसके साथ उथल पुथल बनी हुई है, विचारों में अंतर द्वंद बना हुआ है, स्वयं में ही काफी संघर्ष चल रहा है, और दूसरे के साथ निर्वाह करना होता है, तो क्या करेंगे? तो चाहने के बावजूद कि हम दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, जो अंदर भरा हुआ हम शेयर कर देते हैं, ठीक, दूसरा भी यही कर रहा है, जो अंदर भरा हुआ शेयर कर रहा है,
ऐसा लगता है कि दूसरा मुझे दुखी करना चाहता है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो भरा हुआ है उससे वो बाहर निकलना चाह रहा है, उसके पास सही रास्ता नहीं है, तो जो है उसके पास जितना है उतना शेयर कर दे रहा है। हम भी वही कर रहे हैं, अगला भी वही कर रहा है। फिर इसमें हम क्या करते हैं अगले काम कि हम अपनी स्थिति को जस्टिफाई करते हैं कि भाई जब मेरे अंदर इतना भरा हुआ था तो क्या उसको मैं ढोता रहता, निकालता नहीं बाहर, तो मैंने निकाला, ये सही था, उस परिस्थिति में यही करना था। जब अगला व्यक्ति वही काम कर रहा होता तो हम कहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसके अंदर जो भरा हुआ था उसको हम नहीं देखते हैं। और उसके अंदर जो भरा हुआ था अगर हमको थोड़ा बहुत दिखाई देता है तो फिर हम उसका कारण उसको स्वयं मानते हैं कि उसके अंदर जो भरा हुआ उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है, हमने थोड़ी भरा उसके अंदर। बट मेरे अंदर जो भरा हुआ है उसके लिए मैं फिर दूसरे को जिम्मेदार मानता हूँ कि मैंने स्वयं नहीं भरा, दूसरे ने मेरे अंदर भरा है। ये मूल बात है। तो चाहना ठीक है, तो हम स्वयं को देखेंगे ना परस्परता में तो इस तरह घटनाएं दिखाई देंगी, कोई परिवार में फिर दिखाई देगा, कोई समाज में दिखाई देगा। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है सम्यक आकलन का, कि अपना हम सम्यक आकलन करते हैं, दूसरे का आकलन करते हैं, हम साथ साथ काम कर रहे हैं ठीक, और एक दूसरे का सम्मान करना चाहते हैं। अब देखिए कार्यस्थल पे सब कुछ सामान्य चलते हुए भी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है ना। अब कार्यस्थल पे साथ साथ काम कर रहे हैं, अब किसी को प्रोमिनेंस मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा, आप थोड़ी देर तो एक्सेप्ट करते हैं हाँ भाई अगले को प्रोमिनेंस मिलता रहे ठीक है, क्या बुराई है। बट जब दूसरा अपने प्रोमिनेंस के बेसिस पे अपना अधिमूल्यन करके आपका अवमूल्यन शुरू करता है तो आपको लगता है कि अरे ये तो गलत हो गया और मुझे भी प्रोमिनेंस के लिए काम करना पड़ेगा, मुझे भी सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, तो ये सब फिर वहां से संघर्ष शुरू हो जाता है, वही परिवार में हो जाता है। तो बेसिकली है ये कि है ना संबंध में सम्मान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सम्मान के लिए सही आकलन होना जरूरी है, उसमें पूरकता का भाव होना जरूरी है, वो मिसिंग रहता है तो हम प्रोमिनेंस के लिए दूसरे पे डोमिनेट करना ना स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। और आप यूक्रेन से बात करिए उसके अपने तर्क हैं, रूस से बात करिए अपने तर्क हैं। अब इन दोनों को अगर रिजॉल्व करना हो तो पूरे रूस और यूक्रेन के इतिहास में जाना पड़ेगा, सबके अपने प्रश्न हैं। रूस कह रहा है कि हम लोग तो पहले एक ही थे है ना, हमारे पुराने नेता ने बांट कर हमको अलग कर दिया, तो मैं तो एक ही मानूंगा, उस नेता की गलती थी मेरी गलती थोड़ी है। यूक्रेन कह रहा है कि जब हम एक थे तो तू हमारा शोषण करते थे ठीक, हम अलग हो गए तो इसमें हमने क्या बुरा किया, और तुम हमारी आवश्यकता पूरी नहीं करते तो जो पूरा कर रहा उसकी बात सुन रहा हूं, मुझे भी तो सर्वाइव करना है, मुझे भी जिंदा रहना है, तो हम क्या गलत कर रहे हैं। रूस कह रहा है कि भाई तुम अपने जिंदा रहने के लिए है ना हमारे लिए खतरा क्यों बन रहे हो। अब ये सब चर्चा चल रही है ठीक, उसमें देखें तो मुद्दा मुख्य रूप से रूस और यूक्रेन के संबंध का तो है ही, बट जो तीसरा पक्ष है जो दूसरे देश है वो उसका फिर लाभ लेने में लगे हुए, तो है यही कि दुनिया में अल्टीमेटली किसका बोलबाला होगा, किसकी चलेगी, सारा झगड़ा वहां से। उसमें फिर और चीजें शामिल हो जाती हैं है ना, कि अपना अपना लाभ भी देखना और है ना अपने देश की सीमा को भी बढ़ाना और सब चीजें जुड़ जाती हैं उसमें। बट अल्टीमेटली ये है कि जो हम छोटे छोटे अवसरों पे भी देखते हैं कि प्रोमिनेंस किसका होगा है ना, बोलबाला किसका होगा, कौन ओवर रूल करेगा, वही परिवार में है, वही समाज में है, वही देशों के बीच है। अभी पूरे विश्व में यही चल रहा है कि नंबर वन कौन है। एक समय देखें तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो सोवियत संघ और अमेरिका में काफी तेज गति से चल रहा था काफी है ना वर्ल्ड वॉर थ्री की संभावनाएं बन गई थी 1970s में। फिर जब यूएसएसआर टूट गया तो थोड़ा सा शांत हुआ, अब उसके बाद फिर से वो प्रबल हो गया है, तो ये ऐसा चल रहा है। हाँ हमें ये नहीं दिखता कि सुख स्वभाव हो सकता है, हम अपने आप में सुखी हो सकते हैं, हमको लगता है हम दूसरे के ऊपर शासन करके ही सुखी हो सकते हैं। ये हम व्यक्तिगत रूप से भी देखेंगे ना तो हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न होंगे, इसको घर में है ठीक है ना, आज क्या खाना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा। अब आप देखिए अगर घर में है ना दो भाई हैं उनके परिवार साथ साथ रह रहे हैं ठीक, और इसको डिसाइड करना घर में क्या खाना बनेगा, देखिए कैसे संघर्ष शुरू हो जाता है। अगर आपस में संबंध का भाव होता तो तय भी होगा, नहीं तो आज अगर उनके हिसाब से तय हो गया तो कल मेरे हिसाब से तय होना चाहिए, तो दोनों के साथ नहीं तय होना चाहिए, जो माँ पिताजी उनसे पूछ के तय होगा, हम उलझ जाते हैं उसमें। फिर हम दूसरे को अगर हम अवसर भी देते हैं कि ठीक है भाई तुम्हारे हिसाब से कर लें, अब दूसरा अधिमूल्यन कर रहा है बार बार अपने ही तरफ से कर रहा है,
हमें अवसर ही नहीं मिल रहा अपने ढंग से करने का, तो फिर हमारे अंदर संघर्ष का भाव शुरू हो जाता है कि नहीं? जी भैया, और ऐसी परिस्थिति में लगता है जो आपने उदाहरण दिया कि जीवन बहुत छोटा है और इन संघर्षों को निपटाने में कहीं मुख्य मुद्दा निकल ही ना जाए तो अलग हो जाओ, ये निर्णय भी होता है। तो जैसे अभी आपने देशों का भी उदाहरण दिया, वही स्थिति है, वही स्थिति परिवार की भी है कि है ना, बिल्कुल लोग अलग भी होते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन नहीं हो पाते, ये दूसरी बात है। तो साथ रहने में एक तरह का दुख है, अलग होने में दूसरे तरह का दुख है। निरंतर जी सुख पूर्वक जीने की विधि स्पष्ट नहीं है। जी अब इसी को आप बिल्कुल सेल्फ के स्तर पे देखिए, तो यदि मैं बाहर से कोई अनुकूल भाव पाकर या अनुकूल संवेदना पाकर प्रयास न करूं, है ना, अपने आप में, तो अपने आप में दुख है, और अनुकूल भाव और संवेदना पाने के लिए जाता हूं तो दूसरे प्रकार का दुख है। तो होता यह है कि जब तक हमको स्वभाव स्पष्ट ना हो, हम दोनों में से किसी एक विकल्प पे टिक नहीं पाते। अगर मैं बाहर से कुछ लिए बगैर स्वयं में सोचू कि सुखी हो जाऊं तो नहीं हो पाता, क्योंकि व्यवस्था स्पष्ट नहीं है, संबंध स्पष्ट नहीं है, अस्तित्व तो स्पष्ट नहीं है। फिर मैं बाहर भागता हूँ कि बाहर से कुछ मिल जाए, सुखी हो जाए। तो सुखी तो होते हैं बट सामयिक रूप से, और एक विष के रूप में काम करता है वो। जितना उसमें इन्वॉल्व होते हैं उतना वो मेरी परेशानी बढ़ाता है। उस समय तो लगता है कि सुख मिल रहा है, बट बाकी है ना, जो उससे हमारा पूरा लाइफस्टाइल तय हो जाता है, उससे हमारा दुख बढ़ जाता है। वो ठीक वैसे ही जैसे कि आपको पैर में इचिंग हो रही हो, है ना, और आप उसको इचिंग कर दीजिए थोड़ी देर, बड़ा अच्छा लगता है, अनुकूल संवेदना मिली, आराम मिला, ठीक, बट आप पाएंगे कि वो घाव और लाल हो गया, अब और इचिंग मांग रहा है वो, अब और इचिंग करिए, ठीक, करते जाइए, वो धीरे धीरे घाव का रूप ले लेगा। तो पहले तो लगता है आराम मिल रहा है, बट वहां पे जो छोटा सा एक फुंसी था अब वो बड़े घाव का रूप ले लिया। तो हो ये रहा है कि उस अनुकूल संवेदना को पाना उस समय हमें एक अनिवार्यता लग रही थी, क्योंकि तो जो इचिंग है उसका सोल्यूशन ही था हमारे पास, वो संवेदना परेशान कर रही थी, हमने हाथ से खुद लाया उसको, आराम लगा, बट आराम के साथ घाव बढ़ गया। यही चीज जो है हर परस्परता में हो रहा है। जी भैया, और विशेष करके संबंधों की परस्परता में ये जो हो रहा है ना कि दूसरे व्यक्ति के प्रति संबंध निर्वाह करने के लिए आप इसी तरह करते चले जा रहे हैं कि सही समझ अपनी विकसित करते चले जाएं। कई बार ऐसा लगता है कि दूसरा उस सही समझ के कारण इतना फॉर ग्रांटेड हर चीज को लेने लगता है कि लगता है कि शोषण की स्थिति में संबंध पहुंच जाते हैं। तो वो परिस्थितियों के बजाय लगता है कि फिर चलो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने अपने पे कार्य करूं और दूसरा अपने हिसाब से जीवन जिए। ऐसे भी भाव बनते हैं। तो लगता है कि क्या ये जीवन पर्याप्त है इस तरह के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कि दूसरे सभी संबंधों में, चाहे समाज में, परिवार में, किसी भी स्तर पे हों, उनको हम ठीक करते रहें, उनकी चाहना भी देखते रहें और परस्परता का निर्वाह करते रहें, या हम अपने पे काम करें और उन संबंधों से दूर हों, चाहे वो कार्यस्थल का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो। देखिए, संबंधों से दूर होंगे तो संबंध समझ में आएगा नहीं। तो अपने आप में काम करने भी जाएंगे तो खाली विचार होगा, ठीक, संबंध का भाव दिखेगा ही नहीं। इसलिए दोनों ही जरूरी है। तो जो एक दिन बात हो रही थी कि हमको दूसरे संभल कर नहीं रहना है, दूसरे को संभाल कर रखना है, ये जो भाव मेरे अंदर आता है कि दूसरे के प्रति पूरकता को हम अपने आप में देख पाते हैं कि दूसरे को कैसे संभाल कर रखना है, बजाय इससे कि दूसरे संभल कर रहे हैं, उसमें भय है, शंका है ना, विरोध की संभावना है। जी, जी भैया, थैंक यू भैया। जो हम जी, और देखिए जीवन इतना छोटा भी नहीं है, 70 साल 80 साल मिल रहे हैं हम लोग को, ठीक, फिर से अपने ऊपर काम ये अगले करेंगे। दिन की गारंटी नहीं रहती भैया। देखिए, अभी जितना समय हमने बिताया उतने में भी कितना क्षण हमने सार्थक रूप से लगाया ज्ञान के लिए, वो भी एक तय करने का मुद्दा है। वो बीत गया भैया, अब तो जो बचा है वो लगता है बहुत कम है और इसको बहुत सार्थकता से बिताना है। हाँ, वही सार्थकता से बिताना, ये निर्णय हो जाए, ठीक, कि जो भी उपलब्धि हो जाएगी वो अपने लिए आगे की उपलब्धि ही है। जी भैया, बाहर वाले पे अधिक ध्यान जाता है कि कोई मेरा सम्मान करे, कोई मुझे अच्छी दृष्टि से देखे या कुछ और अच्छा करे,
वो जब नहीं पूरा होता है तो फिर असुविधा होती है, दुखी होते हैं। तो अब इसके ये दूसरा पहला लाइन है, मेरे सुख का स्रोत भीतर है। तो यदि सुख सुख का स्रोत भीतर है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, और इस सुख के स्रोत को भीतर को किस प्रकार से हम मेंटेन करें जिससे बाहर की जरूरत ही ना पड़े। तो इस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए भैया। यही तो सारा काम कर रहे हैं हम लोग डे वन से, कि शुक्र स्रोत भीतर हमको दिखाई दे। अभी शुक्र स्रोत हमको भीतर नहीं दिखाई देता नहीं देता। है ना, इसलिए बाहर भागते हैं। हाँ और जब भीतर देखने जाते हैं स्रोत नहीं दिखाई दे रहा और बाहर के स्रोत को बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, तो बहुत उलझन परेशानी की स्थिति होती है, बहुत सफोकेशन लगता है। ठीक, फिर बाहर के स्रोत की ओर जाते हैं तो लगता है ये क्या हो गया, ये तो नया पीड़ा उत्पन्न हो रहा है, नई समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसा करते हैं भैया, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको हम सब लोग 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं, फिर प्रश्नों को लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा हम लोग अपने आप में देखें तो इसको कि इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। जी, अभी 10 मिनट थोड़ा इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जी जी है ना, इस पर लौट के आते हैं फिर, क्योंकि ओके है ना ये थोड़ा अपने ऑब्जर्वेशन में आ जाए, फिर इस पर ओके हम लोग विस्तार से और बात करेंगे। जी बढ़िया, तो सारी बात इसी के लिए हो रही है कि हमको सुख का स्रोत स्वयं में दिखाई दे, सही समझ सही भाव के रूप में। अब कहने में तो दो ही शब्द है, सही समझ, और क्वालिफाई कर दिया तो समझ, परंतु समझ का मतलब क्या है उसी के लिए तो पूरी चर्चा है। तो कुल मिलाकर ये होता है कि जब हम बाहर से अनुकूल संवेदना अनुकूल भाव पाकर सुखी होने जाते हैं तो उसकी कठिनाइयां दिखाई देती हैं, सामयिक है, बाहर नहीं भरता है, निश्चितता नहीं है, तृप्ति बिंदु नहीं है, परतंत्रता है। और जब भीतर देखने जाते हैं तो वो स्रोत हमारा जागृत नहीं हुआ है, तो फिर हम निकल के बाहर क्यों जाते हैं, अभी हमारा जीना वैसे ही होता रहता है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे, हम सब यहीं से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे फिर हम अपने अंदर के स्रोत को जागृत करते जाते हैं। तो इस क्रम में जो बाहर पे निर्भरता है वो कम होती जाती है, जैसे हम सबको दिख रहा होगा कि अब हम कैसे कम प्रभावित होते हैं पहले के मुकाबले। पहले किसी ने कोई बात कह दी और पूरे समय हमारे कल्पनाशीलता में घूमता रहता था, अब वैसा नहीं होता। पहले कोई चीज दिखी और पसंद आ गई, उसको लेने की इच्छा बहुत प्रबल प्रबल हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होता। पहले कोई दृश्य दिखाई दिया और उससे हमारे अंदर उलझन पैदा हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होता। अब हम काफी चीजों को अपने आप में रिजॉल्व कर लेते हैं, और साथ ही अपना कार्यक्रम हमें स्पष्ट रहता है कि हम अपने शरीर को कहाँ लगाना है, सुविधा को कहाँ लगाना है, समय को कहाँ लगाना है। अब जब हम अपने उपलब्धि का आकलन भी करने जाते हैं जीवन में तो हमारे मापदंड बदल जाते हैं। क्या मापदंड सुविधा या पैसा नहीं है, या कितने लोग हमसे मिलते जुलते हैं, कितने बड़े हमारे कनेक्शंस हैं समाज में, कितने लोग हमको पहचानते हैं, कितने ऊंचे पद पे बैठे हैं, इन सब से हमको उपलब्धि नहीं दिखती। अब हम उपलब्धि को इस बात में देखते हैं कि हम कितना संबंध पूर्वक जी पाते हैं, स्वयं में कितना व्यवस्थित रह पाते हैं, ज्ञान कितना पूरा कर पाते हैं, भाव कितना निश्चित रहता है। ये बिल्कुल एक मेजर शिफ्ट है। तो अगर हमें सुख स्वभाव के रूप में पूरी तरह से ना भी दिखाई दे, परंतु ये सब उसके लिए तैयारी हो रही है, उपलब्धि पूर्ण है। जहां पहले एक दृष्टि होती थी कि भाई कोई काम तभी करेंगे जब उसमें हमारा लाभ होगा, अब आप देखिए हमें से कोई भी साथी जो साथ साथ जुड़ के काम कर रहे हैं सुबह के सत्र में है, अब कोई निजी लाभ के लिए थोड़ी काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। तो ये तो एक मेजर शिफ्ट है कि जहाँ बिना लाभ दिखाई दिए हम पहले कोई काम करते नहीं थे, सोचते नहीं थे, अब हम लाभ से हटकर पूरकता के अर्थ में विचार करते हैं, पूरकता के अर्थ में भागीदारी कर रहे हैं। तो ये सारी उपलब्धियां हैं, बट इसके साथ अपने आप को और आगे काम करना है। अभी दीदी के साथ जो बात हो रही थी उससे रिलेटेड मेरा प्रश्न है। सामने वाला अधिमूल्यन कर रहा है, हमें दिखाई भी दे रहा है, हम
मैं रिलेशनशिप के भाव में रहना चाहती हूँ, लेकिन सामने वाला अधिमूल्यन करते ही जा रहा है और संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें एक तो अवॉइड करना ही सिचुएशन मैं लेती हूँ, अपने काम में ध्यान देती हूँ, लेकिन डर भी बना रहता है। तो इसको कैसे सही तरीके से लेना चाहिए भैया? अवॉइड नहीं करना है, डर भी नहीं लेना है, तो फिर कैसे सामने वाले से संबंध स्थापित करना है, जहाँ पे सामने वाला बड़ा है, समझ भी रहा है, फिर भी वही कंडक्ट कर रहा है, मतलब सब जी कुछ। देखिए, इसमें तो एक सही विधि ये बनती है कि जो दूसरा व्यक्ति है और आप है, ना? आप दोनों के ऊपर कोई व्यक्ति बैठे होंगे, या तो पारिवारिक संबंध में या व्यवस्था संबंध में, उनसे बैठ के बात हो। उनसे बैठ के बात हो, उनसे ये पूरी स्थिति रखी जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर दूसरा पक्ष भी इसको नकारता नहीं है, वो भी इस बात को अप्रिशिएट करता है, स्वीकारता है कि हाँ, है ना, टसल करने के बजाय, स्ट्रगल करने के बजाय आपने सही जगह बात पहुंचाई, उनका ध्यान आकर्षण हुआ और ये सिस्टम के हिसाब से ठीक बैठता है। एक प्रयास इसमें ये भी कर सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से संवाद करें, अगर लगता है कि इसके लिए अनुकूलता है, अगर संवाद से सुलझ जाए तो बहुत अच्छा। उसमें और एक चीज देख लें कि यदि हमने दूसरे को कहीं आहत किया है, दूसरे के साथ गलत व्यवहार किया है पास्ट में, जिसके कारण संघर्ष शुरू हुआ है, तो उसको ठीक करें और जाकर दूसरे के साथ उसको हम साझा भी करें कि हाँ, यहाँ यहाँ उस पे अपने को काम करने की जरूरत है। बट ये ध्यान रहे कि अगला व्यक्ति उसे और अधिमूल्यन ना करे। तो यदि हमारे द्वारा कोई चूक हो रही है, उसको बिल्कुल ठीक करेंगे। यानी हम कहीं दूसरे से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने में लगे हुए हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है, तो अपने ऊपर काम करेंगे, ध्यान देंगे, उसको ठीक करेंगे। दूसरे व्यक्ति के साथ भी संवाद का अगर अवसर है, संवाद करेंगे। और जो हम दोनों के ऊपर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, चाहे पारिवारिक संबंध में या व्यवस्था संबंध में, उनसे बैठ के बात करेंगे। अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इग्नोर नहीं करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे, दोनों ही काम ठीक है ना। इग्नोर करने से तो समस्या सुलझेगी नहीं, अवॉइड करने से संबंध में और दूरी बनेगी जी। और देखिए, इन सब चीजों में एक मुख्य बात है ना, कि साथ साथ बैठकर समझने वाला काम अगर हो, चाहे परिवार हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हर व्यक्ति स्वयं के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। वो नहीं होता, साथ साथ बैठ कर समझने वाला जो काम है ना, उससे क्या होता है कि अभी हम किसी मुद्दे को लेकर उलझे रहते हैं, किसी मुद्दे को लेकर संघर्ष हो रहा होता है, तो साथ साथ बैठ कर समझते हैं तो समग्रता पे ध्यान जाता है। फिर अगले व्यक्ति के व्यक्तित्व के बहुत सारे और आयाम है जिससे हम अपरिचित है, वो हमको दिखाई देते हैं। हमारे व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम है जिससे दूसरा व्यक्ति अपरिचित है, इसको अप्रिशिएट भी कर पाते हैं फिर लोग। अभी देखिए, कॉर्पोरेट में क्या होता है कि साथ साथ बैठ के समझने का काम नहीं होता और टसल चलता रहता है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वो कुछ नए नए तरीके निकालते हैं, पार्टी करेंगे, कुछ फैमिली गेट टुगेदर करेंगे, सभी लोग अपने परिवारों साथ आएंगे, खाएंगे पियेंगे, है ना, साथ में ड्रिंक करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो किसी तरह से उस टसल को अवॉइड करने का प्रयास करते हैं या उसको रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं। इससे ज्यादा अच्छा विकल्प है कि साथ साथ बैठ के समझें, एक्सप्लोर करें। ये सम्यक विधि है ना, कि हम साथ साथ बैठकर ज्ञान के लिए, समाधान के लिए, सही भाव के लिए काम करें, बजाय इसके कि संघर्ष चल रहा है, संघर्ष को अंडरमाइन करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम संवेदनाओं का प्रयोग करें, है ना। उससे ज्यादा अच्छा विधि है कि हम साथ साथ बैठ के समझें। कॉर्पोरेट में इस तरह की चीजों को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है ना, इसलिए क्योंकि लाभोन्माद बना हुआ है, लाभ कमाने का उन्माद बना हुआ है, उस उन्माद को पूरा भी करना है, साथ साथ संघर्ष भी नहीं करना है, तो क्या करेंगे। तो नए नए विधियां निकालते हैं, आ रहे हैं, नए नए, है ना, तरीके आ रहे हैं, प्रलोभन देने के नए नए तरीके आ रहे हैं, ये सब चलता रहता है। अब इन सब में क्या है, सुविधा बहुत ज्यादा लगती है, सुविधा लगती है तो फिर सुविधा को ऐसा कमाना पड़ता है, फिर लाभ उन्माद और बढ़ता है उससे। तो संबंध के भाव से बात करना ही ठीक रहेगा इस सिचुएशन में। देखिए, वो एक बात है, मैंने कहा कि फिर जो ऊपर बैठे हुए या तो गार्जियन है या व्यवस्था में कोई अधिकारी है ना, उनसे बात करेंगे।
और मुख्य बात है कि साथ साथ बैठ के समझने का योजना कार्यक्रम बनाएंगे, वो नहीं होगा तो सारे मेजर धीरे धीरे फेल करने लगते हैं। ऊपर बैठे व्यक्ति भी कहता है भाई है ना, आपका पूरे समय संघर्ष ही चलता रहता है, कब तक हम रिजॉल्व करें, तो फिर सुन के ठीक नहीं लगता है ना। अगला ऊपर बैठा व्यक्ति खुद ही समझदार नहीं है, तो आप उसके प्रति भी शिकायत से भर जाते कुछ समय बाद, भाई इनसे बात कहो तो और बात बिगड़ जाती है। हाँ होता है भैया जी। ओके देखते हैं भैया, मैं इस सिचुएशन को मेरी मतलब आपने जैसे बताया है और हैंडल करके फिर से शेयरिंग करूंगी इस बात को। देखिए अभी आप देखिए ना, तो दो मनुष्यों का साथ साथ जीना उधर सुख पूर्वक, ये कुछ संबंधों में ही ठीक से हो पाता है। जैसे एक दूसरे को श्रेष्ठ मान ले, जैसे गुरु शिष्य संबंध है, तो शिष्य ने गुरु को श्रेष्ठ मान लिया तो गुरु जो कह रहा है शिष्य उसका आज्ञा पालन कर रहा है, ये संबंध चल जाएगा है ना। या कहीं पे एक व्यक्ति दूसरे को अपने से ऊपर मान ले, श्रेष्ठ मान ले, तब तो चल जाएगा। जहां हम एक दूसरे को अपने जैसा मान लेते हैं, मतलब अपने बराबर मान लेते हैं, जैसा भी कहेंगे अपने बराबर मान लेते हैं, फिर वहां किसकी चलेगी? ये सारा झगड़ा संबंधों में यहीं से शुरू होता है। बाकी अपने अंदर जो परेशानियां हैं, फसावटें हैं, वो तो है ही, पर जैसे हम अपने बराबर दूसरे को मानते हैं, बराबर का मतलब कि भाई मुझे भी वही वस्तु उपलब्ध हो जो अगले को है, मुझे भी वही अवसर उपलब्ध है जो अगले को है, तो फिर वहां से चीजें बिगड़ने लगती हैं। हाँ भैया, ये सभी संबंध में है, हस्बैंड वाइफ के संबंध में है, कॉलेज में भी हम काम करते उसमें भी है, तो थोड़ा मैं इसको एक्सप्लोर करूंगी भैया, क्योंकि यही बात है जहाँ पे संघर्ष होता है, तो थोड़ा सा इसका मूल्यांकन करना जरूरी है, तो करती हूँ भैया इसके ऊपर। देखिए अल्टीमेटली ये साथ साथ बैठ के समझने वाला काम जरूरी है। वो हटा कर कुछ भी करेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि इसमें कोई निश्चित समाधान निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अगले व्यक्ति अपने मान्यताओं संवेदनाओं में उलझा हुआ है। हाँ। हम भी उलझे हुए हैं, ठीक है, और फिर खींचतानी चल रही है। और जैसे साथ साथ बैठ के समझना शुरू करते हैं, जैसे अभी भी आप देखिए हम सब लोग है ना, करीब 150 लोग हम लोग अभी साथ साथ जुड़े हुए, ठीक है, और हम सब साथ साथ समझने का काम कर रहे हैं। ये काम अगर हटा दें और हमें साथ साथ काम करना हो तो फिर वही सारी समस्याएं शुरू होंगी, उसी तरह के संघर्ष शुरू होंगे। बट चूंकि एक साथ साथ समझने का काम हो रहा है तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे संघर्ष शुरू हो जाएगा। हाँ भैया जी, तो प्रतिक्रिया पूर्वक जीने को देखें तो उसमें लगता है कि यदि मेरे निर्णय संवेदना से प्रभावित होते हैं तो अलग अलग परिस्थिति में मैं प्रभावित हो जाता हूँ, अपनी प्रतिक्रिया को शरीर के माध्यम से बाहर व्यक्त करता हूँ, दूसरे जो भी भाव व्यक्त करते हैं उस पर प्रतिक्रिया यानी उसकी चाहना पर शंका करना, गुस्सा करना, ये सब चलता रहता है। जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन है उसके प्रति भी प्रतिक्रिया, ठंड के मौसम में आवश्यकता से अधिक कपड़े पहन लेना, ठीक, या अपने शरीर को बचा के रखना और दूसरे के शरीर के लिए कम केयर करना या शरीर की स्थिति के प्रति, सर दर्द के लिए छोटी सी बात है बट है ना बहुत गंभीर हो जाना उसके ऊपर, बहुत परेशान हो जाना उसके ऊपर, ये सारा कुछ चलता रहता है। इन सब चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करते रहे तो इसको हम देखें कि कैसे मान्यता आधारित संस्कार काम करते रहते हैं ना, चाहे दूसरे से मिलने वाले व्यवहार के लिए हो या बाहर की भौतिक रासायनिक घटनाओं के प्रति हो या शरीर में होने वाली संवेदनाओं के प्रति हो, तो कैसे हम प्रतिक्रिया करते रहते हैं, कैसे हमारे अंदर संघर्ष चलता रहता है और कैसे फिर हम उसको शरीर तक ले जाते हैं, उसके अपन निर्वाह करते हैं। जी, उसी के स्थान पर यदि समझ आधारित संस्कार है तो हम जिम्मेदारी पूर्वक जीते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो यदि मेरे निर्णय सही समझ पर आधारित होते हैं तो मैं निरंतर आराम में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, पहली बात तो ये होती है। तो ये हम सबके लिए देखने की बात है कि मैं अपने साथ कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, मेरे अपने भाव विचार के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, और यदि मैं अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं दूसरे के साथ कैसे हो सकता हूँ? फिर तो मैं दूसरे के पास जाता ही हूँ सुखी होने के लिए, तो मैं दूसरे के पास सुखी होकर जा रहा हूँ, सुखी होने के लिए जा रहा हूँ,
सुखी होने के लिए जाऊंगा तो निर्भर हूं, उसका व्यवहार अनुकूल होगा तो सुखी, नहीं हुआ तो दुखी। सुखी होकर जाऊंगा तो जैसा व्यवहार करेगा उससे अपनी पूरकता निर्धारित करूंगा कि मैं कैसे पूरक हो पाऊं। यदि मेरे निर्णय सही समझ पर आधारित होते हैं तो मैं निरंतर आराम में रहता हूँ, सुखी होता रहूं, सुखी रहता हूँ। और मैं फिर संवेदना का उपयोग शरीर या बाहर का ठीक ठीक मूल्यांकन करने में करता हूँ और यह तय करता हूँ कि मैं कैसे व्यक्त हूँ, किस प्रकार मैं परस्पर पूरक हो जाऊं। तो दूसरे जो भी भाव व्यक्त करते हैं वो उनकी स्थिति को दर्शाता है। यदि दूसरा आवेशित या गुस्सा होता है, उसमें सही समझ नहीं है, वह परेशान है, ऐसा मैं देख पाता हूँ, उसे मेरी मदद की जरूरत है, उसे आश्वस्त करने के लिए है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों पर हम विचार करते हैं और अपनी तरफ से सही भाव बनाए रखते हैं, सम्मान का भाव, विश्वास का भाव, उसके साथ ही प्रस्तुत होते हैं और इस प्रकार सही समझने में अगले व्यक्ति का सहयोग करते हैं। वही अगर वातावरण की बात करें तो वातावरण में जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसके लिए भी हम इसी प्रकार से तय कर पाते हैं, सही आकलन कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि जरा सी ठंड लगी और एकदम इरिटेट हो गए, जरा सी गर्मी लगी एकदम इरिटेट हो गए, ऐसा नहीं। मेरे अंदर सम्मान, मेरे अंदर सुख का भाव बना रहता है, मेरे अंदर सही भाव बना रहता है, मैं सही आकलन कर पाता हूँ इनका और फिर है ना उसके अनुरूप मैं निर्णय लेता हूँ। वैसे ही शरीर की स्थिति का भी मूल्यांकन करता हूँ मैं ना, तो ऐसा नहीं कि थोड़ी सी चुभन हो गई सिर में तो हमने पूरा घर ही सर पे उठा लिया। ठीक, तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा कहीं शरीर में कोई दर्द है तो बाकी सबको अपनी सेवा में लगा दिया, बाकी सारे काम बाद में, सब लोग मिलकर पहले मेरी सेवा करो है ना, क्योंकि मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ, मेरा शरीर सबसे महत्वपूर्ण है, तो ऐसा नहीं। तो शरीर की स्थिति का भी ठीक ठीक आकलन करते हैं। फिर मैं शरीर के माध्यम से अपने भाव विचार को बाहर व्यक्त करता हूँ। दूसरे का व्यवहार, कार्य, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, शरीर की स्थिति, इन सब का मेरे सुख की स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं स्वतंत्र रहता हूँ, स्वयं में व्यवस्थित रहता हूँ और उसी को शेयर करता हूँ। 6B पे हम लोग और कल बात करेंगे, विस्तार से करेंगे, है ना। कहने में तो संक्षिप्त बात है, समझने जाते हैं तो इसमें बहुत सारा अपना होमवर्क बाकी है, उसको हम लोग करेंगे। 6A को आज ठीक से ऑब्जर्व करिए, 6B पे और ऑब्जर्व करेंगे, कैसे कैसे हम प्रतिक्रिया करते हैं उसको देखें, कैसे हम बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का प्रयास करते रहते हैं। ये D1 पे भी बात हो रही थी, आज भी बात हो रही है ना, इस पर हम लोग बात करते रहेंगे क्योंकि ये जब तक रिजॉल्व ना हो इस पर काम करते रहना है। तो भले ही पूर्णतया रिजॉल्व ना हो, गति तो हमारी बन रही है, परंतु उसको पूर्णतया रिजॉल्व करना है, इसके लिए काम करना है। इसको आज हम अभ्यास रूप में करेंगे, कल हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे। समय हो चला है, सत्र यहाँ रोक लेते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।